class, I welcome to you all to online classes of SST. In last class, we'll learn about हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे विषय में हम पढ़े. आज हम लोग पढ़ेंगे खाजी डायनेस्टी के बारे में, जो कि 1290 से लेकर 1320 का एडी तक है. ओके, जो पहला है, जो फर्स्ट है, लाल उद्दीन खलजी, जो कि 1290 से लेकर 1292 एडी तक वो राज किए. जलालुद्दीन खलजी वॉज फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी. मतलब कि जो है, मतलब कि कौन ये फाउंडर है, जलालुद्दीन खलजी ही, मतलब कि ये खलजी जो डायनेस्टी का फाउंडर है. ही वॉज अ जेनरस एंड ट्रस्टिंग एंड सिंपल मैन बाय द नेचर. मतलब कि वो एक अच्छा आदमी था, इनफैक्ट बहुत दयालु था, इन पर बहुत सीधा साधा आदमी था वो. ही वॉज किल्ड बाई हिज नेफ्यू. और मतलब कि उसके नेफ्यू के द्वारा, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं पोता या मतलब किसी भतीजा, उसके द्वारा मतलब कि मारा गया था इन 1292 में. अलाउद्दीन खलजी, मतलब कि अलाउद्दीन खलजी. नेक्स्ट, अलाउद्दीन खलजी प्रूव टू बी ए वेरी सक्सेसफुल रूलर ऑफ द दिल्ली. मतलब कि अलाउद्दीन खलजी है जो कि बेल्दी का एक सक्सेसफुल लीडर रहा. वो रहा, ही प्रोपोज्ड ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. मतलब कि उसने राज्य को अपने और बढ़ाया. ही कंकर्ड द राथम, बोरे, चिट्ठो, मधु, गुजरात एंड मालवा. ड्यूरिंग दिस रीजन द मुगल्स इन्वेडेड इंडिया 5 times एंड फेस्ड डिफरेंट डिफीटेड एवरी टाइम. ही कॉट ऑल द फोर्ट्स अलॉन्ग रूट्स ऑफ द अटैक एंड रिपेयर द एंट्री फोर्ट्स. कि उस समय ने बहुत सारे राज, मतलब कि उस समय में मुगल्स लोग, मतलब कि वहाँ के मुगल्स लोग वहाँ पे इनफैक्ट राज कर रहे थे. मतलब कि उन्होंने 5 बार इंडिया में आके इन्वेड कर चुके हैं. बहुत बार उन्होंने युद्ध में लोग लड़े हैं, जीत हासिल, मतलब कि उन्होंने हर बार उनको हराया है बहुत बार. इनफैक्ट उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से उनको, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी जगह में कब्जा किया है. अलाउद्दीन सेट अप एन एफिशिएंसी स्पाई सिस्टम, सर्वर पनिशमेंट फॉर गिवन फॉर द डिसलॉयल्टी. ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. अंडर हिज सिस्टम द प्राइस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज वेर फिक्स्ड. मार्केट ऑफिसर अपॉइंटेड टू कीप चेक ऑन द प्राइस एंड देर थ्री मार्केट्स, वन फॉर द ग्रेन, सेकेंड फॉर द कॉस्ट ग्रोथ एंड थर्ड विद द स्लेव्स एंड द हॉर्स एंड द कॉटर्स. मतलब कि इनफैक्ट, मतलब कि इनफैक्ट अलाउद्दीन ने मतलब कि क्या कहते हैं, कुछ स्पाई को उसने नोट किया, मतलब कि कुछ नियुक्त कर दिया था, मतलब कि देखा था अगर जो भी डिसलॉयल्टी करेगा, जो हम साथ गद्दारी करेगा, उसको सज़ा मिलेगा. इनफैक्ट उसने क्या किया था, मार्केट का कुछ पॉलिसीज़ को उसने बहुत स्ट्रिक्टली रूल बना दिया था, जो कि सब मार्केट में, मार्केट जो प्राइस था एकदम फिक्स था. इनफैक्ट उसने मार्केट को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया था. पहला है हम लोग का फूड ग्रेन्स, मतलब कि जो खाने पीने का उसका. दूसरा है हम लोग का क्लोथ का, कपड़ा पहनने का. तीसरा है मतलब कि जो कि है हम लोग का स्लेव्स, मतलब कि जो नौकर चाकर या घोड़ा या कोई भी, मतलब कि गाय वाय का, ये सब चीज़ का मार्केट था. तो तीन मार्केट में डिवाइड किया गया था. सो वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेर द पेरिश बाय फॉर द चीटिंग्स अंडर द वेटिंग. इनफैक्ट जो गद्दारी करता था, ज़्यादा पैसा लेके कुछ करता था, उसको क्या किया जाता था, उसको बहुत कड़ी पनिशमेंट उसे मिलता था, सज़ा मिलता था. अलाउद्दीन गियर ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम ऑल्सो. ही फिक्स द लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फॉर टू कीप ऑल द डाटा. ही इंट्रोड्यूस द उलेदीन आर्मी इन विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वॉज रिकॉर्डेड. द कलवरी यूज डॉग विद ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स विद द रॉयल इंसिनेशन. अलाउद्दीन वॉज द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम who was the intolerance again intolerance the towards other Muslim religion. He demonstrated that many temples Muslim were forced to pay more tax as compared to the Hindu pay more tax as compared to the Muslim. They were forced to convert to Islam. मतलब कि अलाउद्दीन, मतलब कि था कि वो ऑर्थोडॉक्स था, मुस्लिम था. इनफैक्ट वो क्या करता था, इनफैक्ट वो कुछ लोग जात को उन्होंने कन्वर्ट करा था. हिंदूज लोग को, मतलब कि उन लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था मुस्लिम, मतलब कि मुस्लिम, और उनको क्या किया जाता था, मुस्लिम में उनको कन्वर्ट किया जाता था, बहुत जनको उनको ज़बरदस्ती. ही वॉज ऑल्सो ग्रेट बिल्डर, वो एक अच्छा ग्रेट बिल्डर था. ही कॉमेमोरेटेड हिज डिकेन कॉन्क्रीट. ही ऑल्सो बिल्ड अ फेमस अला दरवाज, द
दरवाज़ा नियर द कुतुब मीनार। इनफैक्ट उसने एक मॉन्यूमेंट बनाया जिसका नाम है अल्लाह दरवाज़ा, जो कि कुतुब मीनार के पास है। ही ऑल्सो बिल्ड अ न्यू टाउन कॉल्ड शिरी, ठीक है, उसने एक नया टाउन भी बनाया जिसका नाम है शिरी नियर द दिल्ली एंड कंस्ट्रक्टेड ए हाउस खास एट द रॉयल टंक। मतलब कि उसने एक रॉयल टंक, मतलब कि एक बहुत बड़ा तालाब उसने बनाया, ठीक है। आमिर खसरा इज नोन, आमिर खसरा हु इज नोन एज द कंट्रीब्यूशन एंड टू लिटरेचर एंड म्यूजिक लिफ्ट इन हिज कोर्ट। मतलब इनफैक्ट आमिर खसरा जो क्या है, मतलब कि वहाँ के, मतलब कि उसका वहाँ एक लिटरेचर एक पोएट था बोल सकते हैं, एक म्यूजिशियन वहाँ वहाँ का था उसके कोर्ट में, उसके दरबार में। द लास्ट किंग ऑफ द खलजी डाइड डेंसी वॉज किल्ड बाय द गाजी मलिक हु एसेंड द थ्रोन्स ऑफ द एश्योरिंग द टाइटल ऑफ द गुशियत ऑफ द गिरिया शुद्धिन तुलुक, ठीक है, गिरिया तुलुक में द्वारा, मतलब क्या हुआ, मतलब कि तो ये राजा मर गया, तो इट वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ कलजी के डायनेस्टी का। नेक्स्ट डे थुलुक डायनेस्टी के हम लोग विषय में हम लोग पढ़ेंगे। गियासुद्दीन तगलिक मतलब कि एडी 1320 से लेकर 1324 तक उसने राज किया था। गियासुद्दीन तगलिक वाज द फाउंडर ऑफ द तलिक ओके तगलुक डायनेस्टी। ही वॉज एबल टू स्टेट्समैन द वॉरियर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वो क्या था, एक अच्छा स्टेट्समैन था, एक अच्छा योद्धा था, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। ही एडवोकेट द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस इंस्टेड ऑफ द हरिशिंग पनिशमेंट, मतलब कि उसने पॉलिसी को चेंज कर रहा था, टॉलरेंस रखता था लोगों के लिए इंस्टेड ऑफ हार्डनिंग पनिशमेंट। ही रिफॉर्म द जुडिशियल एंड द पुलिस डिपार्टमेंट, उसने क्या था, जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट उसने नियुक्त किया था। ड्यूरिंग द डिसन मेनी पब्लिक यूटिलाइज वर्क वे कैरी आउट। ही बिल्ड द फेमस तुलाकुबंद फोर्ट इन दिल्ली, इसने भी एक मोनूमेंट बनाया जिसका नाम है तुलाकुबंद फोर्ट इन दिल्ली में। गियासुद्दीन डाइड अंडर द सम मिस्ट्रियस सर्कमस्टेंसेस इन द एडी 1325 व्हेन द पाली वाज बीटन इन द सन बाय हिज सन जोना खान कोलैप्स। जबकि जब उसका बेटा जोन खान, मतलब कि खान, मतलब कि जो कुछ किसके विषय में उसका जब कुछ हो गया, तब जाके वो उस सहने पर वो विषय में मर गया। तो जोन खान जोहान खान एसी द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ द मोहम्मद बिन तुलुक, मतलब कि मोहम्मद बिन तुलुक के द्वारा, मतलब कि लास्ट में उसने वो उसकी कुर्सी को लिया। सो आज स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे।